Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने शरीफ खानदान की तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ, हसन हुसैन, मरियम, कैप्टन सफदर और इसहाक डार ने पैनामा फैसले पर नजरसानी की दरखास्तें दायर की थी। मुख्तसर फैसला जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सुनाया, तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। कैप्टन सफदर ने पहले जायदाद से इनकार किया, फिर ट्रस्ट डीड तस्लीम की। उनकी अहलिया ने भी ऐसा किया। फैसला लिखने में काफी एहतियात से काम लिया। जस्टिस खोसा के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद ने सलमान अकरम राजा से कहा कि आप हम पर एतबार क्यों नहीं करते, क्या आपको बयान हलफी दें तो यकीन करेंगे। जस्टिस एजाज अफजल बोले, ट्रायल कोर्ट शवाहिद की बुनियाद पर ट्रायल करेगी, आप JIT पर जैसे चाहे जिरह करें। नैब ने अदालत में कहा था कि एक हफ्ते में अपील दायर करेंगे। बयान देकर नैब हुकाम मुकर गए। हुदैबिया केस ही जराइम की माँ है। शेख रशीद की अदालत में दलाइल। क्या आप कहना चाहते हैं कि चेयरमैन नैब अपील दायर नहीं कर सकते? जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तफसार। जस्टिस खोसा ने कहा, शेख साहब बिला वजह इल्जाम न लगाएं। चेयरमैन नैब ने अपील दायर करने का हुक्म दे दिया, एक हफ्ते में अपील दायर कर देंगे। प्रोसिक्यूटर नैब की सुप्रीम कोर्ट में वजाहत। नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद होना कौम को मुबारक हो। नवाज शरीफ कहते हैं, मुझे क्यों निकाला, वो चाहते हैं दूध की रखवाली पर बिल्ला बैठ जाए। फवाद चौधरी का तंज। नजरसानी जब होती है जब कोई गलती या कोताही हुई हो। नवाज शरीफ के वकला कोई सबूत पेश नहीं कर सके, गड़े मुर्दे उखाड़ते रहे। शेख रशीद की तनकीद। NA 120 पर जिमनी इलेक्शन मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इतवार को अवाम शेर, बल्ला, तीर और तराजू की किस्मत का फैसला करेंगे। आज न्यूज अपनी खसूसी ट्रांसमिशन में अवाम को रोज पल पल की खबरें दे रहा है। NA 120 पर कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी के मंजूरी का फैसला। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कुलसूम नवाज ने असासे छुपाए, 62/63 के तहत इंतखाब लड़ने की अहल नहीं। फैसल मीर का मौके। पसरूर के करीब वॉकिंग बाउंड्री पर हरपाल, चारवा, जरवाल और खबर के देहात पर भारतीय फौज की वक्फे वक्फे से फायरिंग। लोग घरों में महसूर, रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान तालिबान पर असरअंदाज होने की पोजीशन में नहीं रहा। अब अमरीका और तालिबान के दरमियान मरी तर्ज के मुजाकरात नहीं कराएंगे। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का प्रोग्राम स्पॉटलाइट में दो टोक पैगाम। डिलीवर और फैसिलिटेट में बहुत बड़ा फर्क है। बनी में हमने डिलीवर किया था, अब हम नहीं कर सकते, ये बात क्लियर। कराची में कौरंगी सनती एरिया की मरकजी शाहरा ही तबाह हाल, आसारे कदीमा का मंजर पेश करने लगी। कहीं सिरे से सड़क ही गायब, जगह जगह गढ़ों से सफर करना अजियत का बाइस। हादसात भी मामूल बनने लगे, क्या कोई तवज्जा देगा आवाम की फरियाद। दराज से ये रोड बिल्कुल तबाह है और रोजाना 2-4 हादसे होते हैं। ये बड़े बड़े गड्ढे आपने देखे हैं, ये पानी देखे, लोग यहाँ से गुजरना महाल हो चुका है। यहाँ दो दफा लोग मर चुके हैं, यहाँ पे बच्चे मर चुके हैं। इसके अंदर जो गाड़ी आती है वो कल्टी हो जाती है और नीचे लोग आके वो मर जाते हैं उसके अंदर। शुमाली कोरिया का एक और मिसाइल तजर्बा। मिसाइल जापान की फजाई हदूद से गुजरा। जापान ने शुमाली कोरिया का एकदम नाकाबले बर्दाश्त करार दे दिया। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन कहते हैं, चीन और रूस भी शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे पर अदम बर्दाश्त का इजहार करें। अमरीका की अपने शहरियों को बैरून मुल्क सफर में मोहतात रहने की हिदायत।
इकदाम दहशतगर्दी और सियासी खतरात के खदशात के सबब किया गया, तर्जुमान महकमा खारजा। इराक के जनूबी शहर नासरिया में दाइश के दो हमलों में 74 अफराद जान भाग, मरने वालों में 7 ईरानी जायरीन भी शामिल, 90 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं।